नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। और अगर माइंड में आपके वो सोच होती है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल एंड गुड है। और यहाँ पर आते हो, देखते हो, वीडियोस को समझते हो और आपको ये लगता है ऑलिगोस्पर्मिया का क्योर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 4 मिलियन भी लेकर आते हो तब भी बढ़ते हैं, अगर आप 6 मिलियन लेकर आते हो तब भी बढ़ते हैं, अगर आपके 12 मिलियन है तब भी बढ़ते हैं, अगर आपका 1 मिलियन है तब भी बढ़ते हैं। देखो, फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। स्पर्म काउंट बढ़ाना एक आयुर्वेद में इजी पार्ट है। वो इसलिए इजी पार्ट है क्योंकि अगर आप पुराने देखते हो, अभी तक आज से तकरीबन 20 साल पुरानी ही बात कर लो, 20 साल पुराने में क्या होता था आपके सामने? आपके सामने उस टाइम क्योर था? उस टाइम ये सर्जरीज थी या सर्जरी, इसके बारे में जानते थे? IVF IUI के बारे में कोई लोग नहीं जानते थे। थे IVF IUI तब भी थे, बट उस टाइम इंडिया में इंट्रोडक्शन हुई ही नहीं थी एज सच इनकी। सरोगेसी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ आ गई। मैं टेक्नोलॉजी की बिल्कुल बुराई नहीं करता, टेक्नोलॉजी अच्छी है। जहाँ पर कुछ रहा नहीं वहाँ पर कुछ तो रहा है, वाली बात है। तो मैं ये टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं मानता, अच्छी खोज है, अच्छी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर हम 20 साल पुराने में जाते हैं, वहाँ पर अगर इनफर्टिलिटी होती थी या किसी को फर्टाइल नहीं हो पा रहे, जिनके स्पर्म मैच्योर नहीं हो पा रहे या जो जिनके स्पर्म बन ही नहीं रहे, तब भी वहाँ पर बच्चे होते थे ना, उनकी औलादे होती थी ना। कैसे होती थी? उस टाइम हमारे पास एक था आयुर्वेद। आयुर्वेद पे जाते थे, आयुर्वेद उन पर देते थे, मेडिकेशन देते थे। बहुत सारे लोग तो आप खुद से भी जानते हैं, गूगल भी बता देता है, अश्वगंधा, शिलाजीत, और आपके हीरक भसम, स्वर्ण भसम, ताम्र भसम, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, हम मैं पूछता हूँ आपने अभी तक क्या ट्रीटमेंट लिया, तो वो अपनी अपनी डिटेल बताते रहते हैं कि मैंने यहाँ से ये लिया, पुष्पधनवा रस खाया और आपने मनमत रस खाया, बहुत अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं। तो सही है, मैं मना नहीं करता कि उन्होंने वो चीज़ें ली, बट पता क्या होता है, आप एक गाइडेंस में लोगे ना वो सारी चीज़ें, तो शायद वो आपको बेटर वर्क करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वर्क नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया। जैसे शिवलिंग के बीज बहुत लोग खाकर आते हैं, मतलब सब अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं कि उस चीज़ से बाहर निकले। बहुत सारे सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स चालू कर देते हैं, बहुत अलग गर्म गर्म चीज़ें खाना चालू कर देते हैं। मतलब ये मैं आपको पेशेंट की एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ जो हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि मैं तो ड्राई फ्रूट्स भी खा रहा हूँ, मैंने कोई आज तक सिगरेट नहीं पी, आज तक मैंने शराब नहीं पी, आज तक मैंने कोई दिक्कत नहीं ऐसी रही, फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। सिंपली मैं एक चीज़ बोलूँ, क्योंकि आप एक नॉर्मल अपनी जितनी भी मेडिकेशन चला रहे हैं, जितनी भी दवाइयाँ चला रहे हैं, वो रैंडमली चला रहे हैं, ठीक है? जितना जैसे बॉटल पे लिखा हुआ है कि एक टैबलेट लेनी है दिन में, तो आपने वो एक टैबलेट ले ली, ठीक है? बट उसकी राइट प्रोपोर्शन, राइट वर्क नहीं जानते। अब कुछ रसायन ऐसे होते हैं सिर्फ जो दूध के साथ लेने होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सिर्फ जो पानी के साथ देनी होती हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जब हम गर्म खा रहे होते हैं तो हमको उसकी तासीर बदलनी होती है। अलग अलग चीज़ें होती हैं अलग अलग टाइम पे। तो अगर किसी की प्रिस्क्रिप्शन बनती है तो उस पर हम अलग तरीके से सोच लगाते हैं, अलग तरीके से दिमाग लगाते हैं कि अगर इनको पहले हिस्ट्री में पाइल्स रही है तो इनको क्या देना चाहिए जिससे इनकी बॉडी में गर्मी ना बढ़े और इनकी पाइल्स को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअली बॉडी अलग है एज़ कम्पेयर टू दूसरी बॉडी से, तो हर एक कॉम्प्लिकेशंस को हम क्योर कर सकते हैं अगर आपको राइट गाइडेंस मिले। तो राइट गाइडेंस के लिए अगर आप ऑलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हो इस वक्त, आपकी जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो जस्टिफाई नहीं कर रही कि वो 15 मिलियन से ऊपर है WHO के अकॉर्डिंग, तो आपको उस पर 1 महीना शायद से एक आयुर्वेद या होम्योपैथ पे जाना चाहिए। अगर आज तक आपने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया है, तो अगर आपने बड़े बड़े डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट किया है, तो आपको 1 महीना तो ट्रायल देना चाहिए। कि अगर आपके 10 मिलियन है, 10 मिलियन से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं स्पर्म काउंट, तो 1 महीना दे दो, उसके बाद सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कराओ और खुद ही चेक करो कि कितने मैंने सीमन एनालिसिस में ग्रोथ करी है। देखो, डरना घबराना किसी भी दिक्कत से नहीं होता। अगर आप जिस चीज़ से डर रहे हो ना, वो चीज़ आपको और खाएगी, और पकड़ेगी, और जकड़ेगी, ठीक है? और अगर आप उससे फ्री होना चाहते हो ना, तो उसकी तरफ आप एक इम्प्रूवमेंट देख लो, अपने पॉजिटिव साइन का एक इम्प्रूवमेंट देख लो, आप आधी दुनिया वैसे ही जीत लोगे, ये गारंटी रही। अगर आप मान के चलो, अगर आपके स्पर्म काउंट 10 मिलियन है और अगले महीने के एंड तक या 20 या 25 दिन के तुरंत बाद ही अगर आपके स्पर्म काउंट 30 मिलियन पहुंच जाते हैं, तो एक पॉजिटिव आती है ना, पॉजिटिविटी आती है कि अंदर से, हाँ ये मैंने जो लिया ट्रीटमेंट वो सही लिया, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ, तो शायद आप उससे जल्दी बाहर निकल आओ एज़ कम्पेयर टू किसी और ऐसे ट्रीटमेंट से जिसमें आपको 3 महीने वेट करना पड़े, 90 दिन तक वेट करना पड़े कि मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ पर करवाना तो
सीमन एनालिसिस तो 3 महीने बाद ही करवाना है, तो वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत करवाओ। अगर आज की डेट में अगर आप एलोपैथिक कुछ खा रहे हो, अगर आपने 20-25 दिन दे दिए हैं, तो आप आज की डेट में भी अपना सीमन एनालिसिस करवा लो, अपनी रिपोर्ट चेक करो, अगर पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो न्यूट्रिशंस आपको मिल गए जो आपकी बॉडी में लैक हो रहे थे। क्योंकि अगर आप एलोपैथिक का प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन के डेरिवेटिव है, जिंक के कैप्सूल्स है, और अलग अलग चीज़ें जो सप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। अगर वो चीज़ें आपके स्पर्म काउंट बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी बॉडी को उतने न्यूट्रिशन की नीड थी जितने आपको बाहर से वो सप्लीमेंटेशन ने पूरे कर दिए और आपको उस मोमेंट पे खड़ा कर दिया। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप पे चिंतित होकर अपने क्वेश्चन मार्क को भूल जाओ, नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करो व्हाट्सएप पे, या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करो, मेरी टीम से बात करो। अगर टीम बिजी है तो थोड़ी देर में आपको कॉल बैक आ जाएगा, आप उसका एक राइट सॉल्यूशन ले लो और उस प्रॉब्लम से, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम से बाहर निकलो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।